अरे गार्ड अंकल, अंकल आप अंदर बैठ जाइए ना, यहाँ इतनी गर्मी में आप परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, कितना पसीना आ रहा है आपको? नहीं मैडम, मेरा काम यहीं बैठने का ही है, मैं वहाँ अंदर ऑफिस में नहीं बैठ सकता। तो अंकल आप बॉस से बोलकर अपने लिए यहाँ कूलर या पंखा लगवा लीजिए। वो उनसे बात की थी मैंने, उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऑफिस संभालूं या तुम्हारी गर्मी और परेशानी देखूं, और तुम्हारा तो काम है ना वहां बैठना, तुम्हें अब तक आदत नहीं लग जानी चाहिए थी। साहब गर्मी बहुत है, आप मेरी हालत देखिए साहब, और अक्सर कई बार तबीयत खराब हो जाती है साहब। देखो या शांति से काम करना है तो करो, वरना चलते बनो, क्योंकि कंपनी के पास इतना फालतू टाइम और पैसा नहीं है कि तुमको उड़ा सके। सुनो यहाँ पे काम करना है ना तो इतना सहना पड़ेगा, और ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अपने पैसों से एसी लगवा लो। दोबारा ये फालतू की रिक्वेस्ट लेके मेरे पास मत आना। नाउ लीव। अरे जाओ यार। अब बेटा मेरे जैसे दो कोड़ी के गार्ड के लिए वो अपना पैसा खराब नहीं करना चाहते, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है तो खुद के पैसे से लगवा लो। तो अंकल आप खुद एक छोटा सा कूलर यहाँ पे लगवा लीजिए। अरे कहाँ बेटा, मेरी इतनी सैलरी कहाँ है कि मैं ये सब ले सकूँ, और फिर सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मुझे वहाँ घर भेजना होता है, अब जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो उसमें खुद का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है, तो ये सब कहाँ। हर अंकल आप ऐसे यहाँ इतनी गर्मी में काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, हम गरीबों को ना सबकी आदत हो जाती है, अब परेशान ना हो, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम लोग तो रोज एसी में काम करते हैं, वो बेचारे गार्ड अंकल ये तो रोज गर्मी में काम करना पड़ता है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। कूलर कौन रख के चला गया? अरे अंकल घबराइए मत, ये कूलर आप ही के लिए। क्या मतलब? अंकल आप रोज इतनी गर्मी में परेशान होते और अपने लिए कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, और बॉस भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे, तो इसलिए हम सबने आपके लिए ये कूलर खरीदा है। ऑफिस के सभी लोग, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे गार्ड अंकल बेचारे इतनी गर्मी में रोज काम करते हैं, वो भी बिना कूलर और पंखे के, उन्हें बहुत परेशानी होती है और उनकी तबीयत भी खराब होती रहती है, तो मैं इस ग्रुप में एक QR कोड सेंड कर रही हूँ। आपके बजट में जितना भी हो सके अपनी तरफ से प्लीज पैसे डोनेट करिए, ताकि हम उनके लिए एक कूलर खरीद पाए। थैंक यू सो मच। क्या सच में? हाँ अंकल, हम लोग तो रोज एसी में बैठकर काम करते हैं, पर आप इतनी गर्मी में बैठते हैं, अपना सारा काम करते हैं, अब अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ठंडी हवा में बैठना तो आप भी डिजर्व करते हैं ना। मैडम
आपका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं, अब आप आराम से कूलर के सामने बैठ के ठंडी हवा खाइए और बिना परेशानी के अपना काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके ऑफिस में या बाहर कोई गरीब कड़ी धूप या गर्मी में काम करता है और खुद से कूलर या फैन अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप उसकी अपनी तरफ से मदद करें, क्योंकि वो बेचारा दिन भर गर्मी में काम करता है ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। तो हम उसकी कुछ ना कुछ मदद तो कर सकते हैं ना।